हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। माय नेम इज शाहबाद अंसारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो मॉर्ले का डीएक्सी पैनल है, इसके अंदर ये जो डिवाइस एडेड फॉल्ट आप देख सकते हैं, इसे किस तरीके से ट्रबल शूट करते हैं। मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स ने कमेंट बॉक्स में और मेल में ये पूछा है कि इस फॉल्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ कि कैसे हमें इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, मैं आप अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और मैंने फायर अलार्म से रिलेटेड, कमिश्निंग से रिलेटेड, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखे आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फायर अलार्म से और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोज जो अपलोड करते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डिवाइस एडिट का फॉल्ट है वो मेरे लूप वन में है। आप एक एक कर देखेंगे तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 फॉल्ट मेरा लूप वन में है। आपके केस में लूप टू में भी हो सकता है, अगर फुल लूप का पैनल है तो लूप 4 या 3 में भी हो सकता है। तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देख सकते हैं L1A102 डिवाइस एडेड, मतलब 7 मेरे जो है अननोन डिवाइस पैनल में ऐड हुए। तो ये क्यों होता है अगर आप डिवाइस ऐड करेंगे इस केस में होते, तो आपको सिंपली जो है एंटर करना, अटेंड करके आपको जो है ऑप्शन नंबर 5 में जाना है। 5 में जाने के बाद आपको सिंपली 1 2 3 4 जो है पासवर्ड डाल के ओके करना है। ये इंजीनियरिंग मेनू पासवर्ड है। देन उसके बाद आपको कमिश्निंग लेवल में जाना है, जो कि L3 लेवल है। उसमें जाने के लिए आपको सिंपली 9898 प्रेस करके ओके करना है। ये जो है कमिश्निंग लेवल पासवर्ड है। इसमें जाने के बाद आप ओके करेंगे तो उसमें आपको सेकेंड ऑप्शन जो है लूप का मिल जाता है। लूप में जाने के बाद आपको सिंपली सेकेंड ऑप्शन में फिर से जाना है, जो कि लर्न ऑप्शन है। जब लर्न ऑप्शन में जाएंगे तो आपको पूछेगा आपका लूप नंबर क्या है। तो मेरे केस में 1 था, तो मैं यहाँ पर 1 प्रेस करूंगा और ओके ओके प्रेस करूंगा। 1 प्रेस करने के बाद वो आपसे दोबारा कंफर्मेशन मांगेगा, तो आपको सिंपली ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो उसके बाद जो लूप 1 है वो ऑटो लर्न के प्रोसेस में चले जाएगा। अब देख सकते हैं ये लर्न प्रोसेस में। उसके बाद आपके स्क्रीन पर जितने भी डिवाइस उस लूप में एक्स्ट्रा थे वो ऐड हो जाएंगे। आपको यहाँ पर दिखा देगा आयोनाइजेशन डिटेक्टर कितने, ऑप्टिकल देखिए 3 डिटेक्टर हो गया हेड, उसके बाद मल्टी सेंसर जो है वो 3 हो गया है, देन उसके बाद मेरा MCP 2 है। तो टोटल मेरे 7 जो कि अननोन डिवाइस थे, पैनल को नहीं पता थे, वो आप पैनल को पता चल गए हैं। और सिंपली आपको बैक आने के बाद, आपको यहाँ पर बैक आने के बाद आपको एक बार जो है पैनल को रीसेट करना है। जब आप पैनल को रीसेट कर देंगे तो आपका पैनल जो है पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा और आपका जो डिवाइस एडेड फॉल्ट है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।